आइए जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन the amount and the money borrowed is called compound interest. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सीआई से। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बोरोड इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट और जो मनी उधार लेते हैं इन दोनों के बीच का जो जो डिफरेंस होता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या हमने कहा कि जो अमाउंट होता है और जो अमाउंट हम बोरो करते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल CI is equal to amount को represent करते हैं, A से principal को represent करते हैं, P से। तो ये तो CI निकालने का formula हो गया। ठीक है, अब amount को निकालने के लिए अलग अलग formula हैं। कहीं एक साल का पूछ लिया, दो साल का पूछ लिया, कहीं छह महीने का पूछ लिया, कहीं quarterly पूछ लिया। ठीक है, और कभी ऐसा होगा कि year जो होगा वो fraction में given होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा वो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हर एक रेट इंटरेस्ट का अलग अलग ईयर गिवन है तो उसका भी फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली अपने को डिस्कस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले, सारे नहीं, यानी कि अपने जितना जरूरत पड़ेगा पांच तक हम करेंगे, पांच छह। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, ईयरली। ठीक, अगर अपने पास में वन ईयर का गिवन है, या तो ईयरली के जगह में हम लिखते हैं एनुअली, है ना, और अच्छा रहेगा। अगर हमें बोला जाए कि वन ईयर का, टू ईयर का, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल होगा तो आप अप्लाई करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एन, या तो इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 और टी, वेयर ए इज इक्वल टू अमाउंट एंड पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल। R is equal to rate percent, ठीक है, या rate of interest, ठीक, और time period क्या आपके पास में, ठीक है, an year, ठीक है, और अगर यहां से हम देखें तो T है आपके लिए क्या, time है, क्या है, time period है, टाइम पीरियड। ठीक, जब आपको ईयरली पूछेगा
ठीक है, या एनुअली हम कह सकते हैं, ठीक है, पूछेगा तो आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो बाबू, आज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज तो पूरी फॉर्मूले को ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिपीट नहीं करेंगे, जो डेटा था यहां पे हमने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एन ईयर है, ठीक है, टी इक्वल टू, या तो आप टाइम लिख देता हूं यहां से, आपके लिए आसान हो जाएगा, टाइम, और ये आर है आपका, रेट तो लिख ही चुका हूं। ठीक है, चलो टाइम को हम यहां से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ का पूछ लिया जाए या हाफ ईयरली का पूछ लिया जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। व्हेन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन देन, ठीक है, यहां भी लिख सकते हो, देन, लेकिन यहां जगह है कि रहने दो। तो अमाउंट निकालने जो फॉर्मूला अपने पास में बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 2, रेट बाय टू डिवाइडेड बाय 100 और 2n। यहां पे बाबू जो 2n है वो क्या है, ईयर है। ठीक है, 2n क्या है, ईयर है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बुक में जो है 2n रिप्रेजेंट करता है, तो कंफ्यूज मत होना, टी लेके चलना, तो आप टी लेके चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बातें बताऊंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो ये तो हमने अमाउंट देख लिया जब 6 महीने का हो। तो नेक्स्ट बात आ जाता कि अगर क्वार्टर में रहा तो क्या करेंगे, आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फोर क्वार्टरली ईयर, ठीक है, अगर क्वार्टरली ईयर का आपसे निकालने के लिए बोला जाए तब क्या होगा, देखो, देन देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस क्वार्टर, चलो इसको लिख देता हूं फॉर्मूला, उसके बाद समझा देता हूं। ठीक है, क्वार्टरली है, ठीक है, तो आर बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और 4n करेंगे। क्वार्टरली का फॉर्मूला जानने के बाद में अब यहां से हम लोग रुकते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, देखिए, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, अब वो क्वार्टर मत समझ लेना जो लोग चलाते हैं। ठीक है, क्वार्टरली, ठीक है, 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है, आने के 3 महीने, 3 3 महीने का आप काउंट करेंगे तो आपके 4 क्वार्टर होंगे, और अगर 2 ईयर में बात किया जाए बाबू तो 8 क्वार्टर होंगे। ठीक है, और अगर 6 मंथ में बात किया जाए, यहां मंथ लिख देता हूं ना, अगर 6 मंथ में देखा जाए तो 2 क्वार्टर होगा, क्वार्टरली। ठीक है, 2 क्वार्टर। ठीक, यहीं पे आगे मैं और चलेंगे, थोड़ा सा कुछ और बात डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं वो जरा सा देखिएगा, यहां कर देते हैं। ठीक है, हाफ ईयर लिए तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है। ठीक है, 2 हाफ ईयरली होता है, ये सब छोटी छोटी बातें नोट करना है। ठीक है, यही आपको आगे में काम देगा। और अगर हम बात करें 2 ईयर की, तो इसमें कितने हाफ हो जाएंगे, 6 6 महीना का, जाहिर सी बात है 4 होगा। ठीक है, 4 हाफ ईयरली। क्वार्टरली के कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और हाफ ईयरली के कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो फॉर्मूला आप
जनरली अगर 1 साल 2 साल 3 साल का देगा तो आराम से आप निकाल लोगे। घूमोगे कहाँ, यहां घूम जाओगे। यहां लिख देता हूं, वेयर वेयर टू एम इज इक्वल टू ईयर, ठीक है, ईयर यहां मैंने लिखा, जो टू एन है वो ईयर है, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी करोगे, फिर हम इसको रफ करके, अभी अपने पास में बहुत कुछ बताने के लिए बचा है उसको हम बताएंगे, ठीक, आराम आराम से समझेंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसको टॉपिक वाइज ही लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वार्टरली मैंने तो करा दिया, ठीक है, एक और आ सकता था लेकिन नहीं हुआ, जगह कम पड़ जाएगा, पहले कॉपी करो। बेटा दिया जाए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When interest is compounded compounded ठीक है in fraction 3 into 2 by 5 year, then ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रेलवे में और SSCCGL में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है, 3 month 4 month क्वार्टरली हाफ ईयरली, इसमें ज्यादा आता है हाफ ईयरली, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सिंपल वाला तो कोई भी लगा देता है। तो अमाउंट निकालने जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक, पहले तो प्रिंसिपल इनटू 1 plus rate, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, देखो मल्टीप्लाई में कितना है 3 है तो पावर 3 करोगे, यानी कि 3n कर सकते हो, डायरेक्ट 3 लिखोगे या नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, आगे इनटू 1 plus rate, अब जो रेट होगा वो डिवाइड कर दोगे भाई 2r/5/100, ठीक है, इसका पावर कुछ भी, तो यहां से आप अमाउंट निकालोगे। अगर फ्रैक्शन में आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो अब फिर सवाल एक बन जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहता है और सबका ईयर अलग अलग रहता है तो उस केस में हम क्या करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए, व्हेन इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट व्हेन इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सच एज, या तो यहां से लेते हैं, हाँ सही है, सच एज थोड़ा सा यहाँ ईयर लगा लो, ठीक है, डिफरेंट ईयर थोड़ा और देखने में, या तो देखने के रहो इसका मीनिंग अच्छा देगा, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर सच एज
R1% कॉमा R2% कॉमा R3% फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर देन देन जब इंटरेस्ट रेट आपका डिफरेंट रहेगा हर एक साल का, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे देखो जरा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर वन रेट डिवाइडेड बाई 100 इनटू 1 प्लस आर टू डिवाइडेड बाई 100 इनटू 1 प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई 100 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक फंडे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो आप लोग को पता होना चाहिए। ये फाउंडेशन है आपका। और हमेशा एक बात मैं रिपीट करता हूं कि अपनी फाउंडेशन पे काम करो, पहले इसे देख लो और कहीं प्रॉब्लम है तो उसको समझा दिया जाए। ठीक है, देखो पहले अगर इतना आपका बेस क्लियर है तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रैक्शन में याद रखना, यहां हमने थ्री लिया है, ठीक है, यहां हमने थ्री लिया, हो सकता है वन भी आए, टू आए, जितना यहां आगे में मल्टीप्लाई है उसका पावर वही बनेगा, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो वही बनेगा। और 2/5 जहां है वो डिवाइड करते जाना, हाफ ईयरली की हाफ से डिवाइड करना, क्वार्टरली के लिए वो डिपेंड करता है, अगर 1 ईयर का पूछा है तो 4 आएगा और अगर 2 ईयर पूछा तो 8 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 ईयर वाला तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्वार्टरली में पूछा है तो आपको भाई साहब क्वार्टरली में ही जवाब देना पड़ेगा। आ गया अगर समझ में तो ये बताओ। ठीक है, तो कॉपी किया जाए इसे,